पांच ऐसे मौके जब टीम इंडिया पर टूटी आफत, ऋषभ पंत ने दिलाई राहत। पंत ने अकेले दम पर पार कराई टीम इंडिया की नैया। पंत की तूफानी पारी देखकर डर जाते हैं गेंदबाज। 4 अक्टूबर 1997 को जन्मे ऋषभ पंत आज 25 साल के हो गए हैं। टीम इंडिया के अंदर उनकी मौजूदा स्थिति भले ही जो हो, व्हाइट बॉल क्रिकेट की प्लेइंग 11 में जगह बनाने के लिए बेशक उन्हें संघर्ष करना पड़ रहा हो, लेकिन जो लोग उन्हें जानते हैं वो बखूबी उनकी काबिलियत को पहचानते हैं। ये काबिलियत ही रही कि अब तक 4 साल की उनके छोटे से क्रिकेट करियर में जब 5 बार टीम इंडिया पर मुसीबत टूटी तो वो ढाल बनकर खड़े हो गए। क्रिकेट के नशे में चूर ऋषभ पंत ने 12 साल की उम्र में उत्तराखंड के रुड़की स्थित अपने घर को छोड़ दिया था। अगले 6-7 साल संघर्षों से भरे रहे। फिर 19 साल की उम्र में पंत के सामने पहली बार भारतीय टीम की नैया को पार लगाने का मौका आया। ये मौका था साल 2016 के अंडर 19 वर्ल्ड कप में, जहां उन्होंने नामीबिया के खिलाफ टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में शतक जड़ा और भारत को सेमीफाइनल में पहुंचाया। 20 साल की उम्र में ऋषभ पंत का इंटरनेशनल डेब्यू T20 क्रिकेट से हुआ, लेकिन वो हीरो तब बने जब जनवरी 2019 में ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर टेस्ट क्रिकेट में अपना पहला शतक 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के सबसे अहम और आखिरी मैच में जड़ा। उन्होंने सिडनी में खेले 4th टेस्ट की पहली पारी में नाबाद 159 रन बनाए। नतीजा ये हुआ कि सीरीज में बराबरी करने का ऑस्ट्रेलिया का सपना टूट गया और भारत ने टेस्ट सीरीज 2-1 से जीत ली। सिडनी में खेला वो 4th टेस्ट ड्रॉ रहा था, जिसमें पंत के शतक की बड़ी भूमिका थी। साल 2020-21 का ऑस्ट्रेलिया दौरा भारतीय टीम के लिए मुश्किलों से भरा था। इस दौरे पर एक के बाद एक खिलाड़ी चोटिल हो रहे थे। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले 2 मैचों के बाद नतीजा 1-1 की बराबरी पर था। ऐसे में सिडनी में खेले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने फिर से जीत का जाल बुना। भारतीय टीम उसमें फंस भी गई होती अगर ऋषभ पंत ने 97 रन की बेशकीमती पारी खेलकर उसे ड्रॉ न कराया होता। साल 2020-21 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सिडनी टेस्ट अगर ऋषभ पंत का दिखाया ट्रेलर था, तो ब्रिस्बेन में खेला सीरीज का आखिरी टेस्ट पूरी पिक्चर। ब्रिस्बेन के गाबा को ऑस्ट्रेलिया का गुरूर समझा जाता था। वजह थी इस मैदान पर बीते 3 दशकों से कायम उसकी बादशाहत। सभी को यही उम्मीद थी कि ऑस्ट्रेलिया गाबा पर जीतेगा और भारत को सीरीज जीतने से रोकेगा, लेकिन मेजबान देश ने भारत के सामने जब 328 रन बनाने का लक्ष्य रखा तो भारत ने उसे ऋषभ पंत की दूसरी पारी में बनाए नाबाद 89 रनों की बदौलत आसानी से चेज कर लिया। भारतीय टीम ने उस रोज न सिर्फ 3 विकेट से 4th टेस्ट जीतकर सीरीज फतेह की थी, बल्कि गाबा पर ऑस्ट्रेलिया का घमंड भी तोड़ा था। ऋषभ पंत हीरो मार्च 2021 में अहमदाबाद में खेले इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में भी बने। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में इंग्लैंड 1-0 की लीड ले चुका था। ऐसे में उसकी बढ़त को और ज्यादा होने से रोकने के लिए भारत के लिए जरूरी था जीतना। भारत ने अपने इरादे को परवान चढ़ाया। इंग्लैंड की पहली पारी में बनाए 205 रन के जवाब में भारत ने ऋषभ पंत के 101 रन की बदौलत पहली इनिंग में 365 रन बनाए। इसके बाद इंग्लैंड की दूसरी पारी 135 रन पर ही सिमट गई और भारत ने मुकाबला पारी और 25 रन से जीत लिया। वही बात करें ऋषभ पंत के रिकॉर्ड्स की, तो उन्होंने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद उन्होंने 2018 में भारतीय टीम की तरफ से टेस्ट में डेब्यू किया था। उन्होंने अब तक 27 टेस्ट मुकाबले खेले हैं। पंत भारत की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 1000 रन बनाने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। पंत ने 39 की औसत से 1549 रन बनाए हैं। 2018 में ही पंत ने वनडे क्रिकेट में भी डेब्यू किया और उसके बाद वो भारत की T20 टीम का भी एक अहम हिस्सा बने। ऋषभ पंत का नाम 2022 में खेले जाने वाले T20 वर्ल्ड कप की टीम में भी शामिल है। लेकिन कहा जा सकता है कि जब जब टीम इंडिया को सहारे की जरूरत पड़ी, तब तब ऋषभ पंत ने अपने तूफानी खेल से टीम इंडिया को संकट से निकाला। तो आप भी अगर ऋषभ पंत के फैन हैं, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए और जुड़े रहिए हेडलाइन स्पोर्ट्स के साथ।